Okay, so variable 4 सबसे अच्छा है. नाउ थिंक अबाउट दिस, इसका जो तुम बनाओगे कंजुगेट बेस तो क्या बनेगा, बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये बनेगा. इसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे मिथाइल तो बनेगा सी डबल ओ माइनस एंड सी एस थ्री. इसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे, सारे लोग देखना, वो ये है सी एस थ्री. अब बताओ माइनस तुम्हें घटाना है, जबकि तुम्हें पता है मिथाइल हर हाल में इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या आपको सेकेंड बेस्ट मिल गया है? That is obviously one. That is obviously one. Four के बाद one. क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में, बेंजीन तो सब में दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें बेंजीन तो. मिथाइल यहां है, अच्छे मिथाइल है भैया, मिथाइल तो दे के वॉट लगाएंगे. अब इन दोनों पर बात आ गई. मेरे भाई आपको पता है मिथाइल बेंजीन से जुड़ा होता है तो हाइपर कंजुगेशन करता है. और बताओ क्या ये यहां, यहां और यहां माइनस चार्ज बढ़ाएगा? देने वाला देता है तो अर्थो पैरा पर देता है. यहां 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 माइनस बढ़ाएगा, यहां माइनस बढ़ाएगा तो यहां बढ़ा हुआ माइनस इस माइनस की वॉट लगाएगा, वॉट. तो मेरे भाई जवाब मिल गया, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ. 4132, 4132. नाउ मूविंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 59. आप करिए मेरे साथ, बताइए सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छा कौन? इट्स ऑब्वियसली आर्थो वाला, तो सबसे अच्छा हो गया आर्थो वाला, दैट इज फोर्थ. क्लियर? नाउ लुक एट दीस थ्री. आपका काम है बिल्कुल बनाइए कंजुगेट बेस, बनाइए. जब आप कंजुगेट बेस बनाएंगे इसमें भी सी डब्लू माइनस आएगा, इसमें भी सी डब्लू माइनस आएगा, इसमें भी सी डब्लू माइनस आएगा. उस माइनस को कम करना है. NO2 कहीं भी हो, किसी भी हालत में खींचता ही है. तो मेरे भाई ये दोनों, ये दोनों इससे अच्छे हो गए. तो क्या तुम्हें पता है कि वन सबसे खराब हो गया? क्या तुम्हें पता वन सबसे खराब हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके कंजुगेट बेस और इसके कंजुगेट बेस में ये NO2 जो है इसका निशाना बड़ा सटीक लगेगा. कैसे? ये कहां कहां से खींचता है बताओ? आर्थो से और पैरा से. तो भाई साहब यहां से अगर खींचेगा तो एसिड का माइनस इधर आ जाएगा, जबकि इसका निशाना चूक जाएगा. ये यहां से खींचेगा मेरे भाई, ये इसका आर्थो ये है, पैरा ये है, तो ये प्लस यहां क्रिएट करेगा, जबकि NO2 प्लस यहीं क्रिएट करेगा. तो मेरे भाई आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉन कौन खींच पा रहा है, NO2 किस इफेक्ट से खींच रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट से, माइनस आर से, जबकि ये किस इफेक्ट से खींच पाएगा, रेजोनेंस से तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये खींचेगा माइनस आई से, माइनस आई और ये माइनस आर. So this is your answer 4231. And question number 60, तो भाई साहब इसमें एक आर्थो है और दूसरा नहीं है. आर्थो इफेक्ट से खटाक से वन ग्रेटर देन टू आर्थो इफेक्ट. भाई आर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होता है, वो आप देख सकते हैं. हटा रहा हूं मैं, हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं. चलिए तो कितने क्वेश्चन कर लिए थे बता दो भाई, दिख रहा है क्या? 57 से तो चालू किया था, 57 वाला तो था ही, उसके बाद तीन क्वेश्चन थे, तो कितने हो गए? 58, 59, 60. तो हम आगे बढ़ेंगे 61 क्वेश्चन पर, उसी पर बेसिस पर मैं दे रहा हूं 61. एंड इट इज लाइक आराम से करना, अच्छा क्वेश्चन. ये है सी डबल ओ एच, ये है सी डबल ओ एच, एंड ये है सी डबल ओ एच. इन तीनों एसिड का एसिडिकेशन कंप्लीट करना, 1 2 3. दिस इज योर सेकेंड, ये सेकेंड एसिड है.
इनका एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 तो आर्थो इफेक्ट इकलौता एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एरोमेटिक एसिड पर लगेगा, फिनॉल विनॉल पे नहीं लगाते ये, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और ले लो, लाइक ये प्लस, ये NH फोर प्लस, ये NH, बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। ओके, लुक एट फ्यू अदर क्वेश्चंस, लाइक एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं, डबल बॉन्ड लो, डबल डबल OH 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 डबल, ओके, सो डबल डबल OH एंड OH, पांच OH, इन सारे OH की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा लगाना, 1 2 3 4 इन सारे OH की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा रखो लगाना है। आर्थो इफेक्ट हमने कर ही लिया है और बाकी सारी वैरायटी ऑफ एसिड्स हमने कर ली। एक तो क्वेश्चन और लेते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म करते हैं, चालू करेंगे आगे कुछ बेहतरीन। एक अच्छा क्वेश्चन ये देखो, कीटो इनॉल सुना है क्या करना, नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे आइसोमेरिज्म, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा ये आपको पता करना है, ठीक है। चल तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा फंडा। हालांकि बेसिक स्ट्रेंथ के सारे फंडे हमने पता कर लिए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ भी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अब हम किसके क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे और देखिए बेसिक स्ट्रेंथ चालू करेंगे, अरेंज अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सुनना और सोचना और समझना, एसिड में तुमने कंजुगेट बेस बनाए थे, वही कंजुगेट बेस मैं यहां बेस में डालूंगा और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ निकालूंगा, कितना आसान है। वहां तुम क्या निकालते, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकालते थे, और हमें पता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस था वो क्या था, वीकली बेसिक था, और जो सबसे अनस्टेबल कंजुगेट बेस था वो क्या था, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक था। तो आप चाहें तो उस कॉन्सेप्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, डेफिनेटली आप उसे अप्लाई करिएगा, एफ माइनस सी एल माइनस डी आर माइनस आई माइनस सेकेंड, याद करना ये वही क्वेश्चन है जो एसिड में शुरुआत में, एन एच टू माइनस OH माइनस F माइनस, थर्ड RO माइनस RS माइनस, फोर्थ इट्स H2O एंड अमोनिया, क्लियर। एंड वन मोर क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन में एक और ले लेते हैं यहां पर, इट्स योर R3N एंड R3P, क्लियर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंपाउंड, ध्यान दें। ओके, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। तो आप देखिए, एक तो नियम कानून हमें पता ही है, नियम कानून मैं बता देता हूं कि आप इसका क्या बनाओ, कंजुगेट एसिड एच डालकर, एच डालकर बनता है, वहां निकालकर बनता था, यहां एच डालकर बनेगा, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लो, HFSCl HBr HI का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट होगा। अब आप खुद देखें, इन सब में एक एक बॉन्ड है, HFSCl HBr HI सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में मौजूद है, HF, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये कम, ये और कम, ये सबसे कम। तो मेरे भाई क्लियर कट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आ गया 1 2 3 4, लेकिन मैं आपको उससे पहले भी बता सकता था, चार्ज है यहां पर,
तो बताओ F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये बेस है डायरेक्ट इन्हीं को दे। बताओ F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, दैट इज आई माइनस, तो वो सबसे वीकली बेसिक होगा। और सबसे कम स्टेबल कौन है, F माइनस, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। तो चार्ज के केस में आप कर सकते हैं। अच्छा जैसे ये न्यूट्रल है तो आप इसके कंजुगेट एसिड में देखेंगे चार्ज आएगा, क्योंकि H प्लस डालेंगे न्यूट्रल पर तो चार्ज आएगा, वहां स्टेबिलिटी देख लीजिए, दैट विल बी इवन इजी, बहुत आसान होगा। तो ये पांच क्वेश्चन जल्दी से देखें। मैं इन्हें हटा देता हूं ताकि मैं आगे और क्वेश्चंस दे पाऊं आपको। पांच क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है NH2, बेसिकली तुम्हें इस टॉपिक में नाइट्रोजन बेसिस ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, नाइट्रोजन बेसिस ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आप पॉजिटिव दिमाग लगाएंगे तो सब खटाखट हो जाएगा। ये मैंने कुछ बेसिस और रखे हैं, आप ओके, सिंगल डबल ट्रिपल के भी है, और एक और ले लो आर सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां आपको बताना है ये ऑक्सीजन वन और ये ऑक्सीजन टू, इसमें ज्यादा बेसिक कौन है, इन दोनों को कंपेयर करना। 10th क्वेश्चन, आइए कुछ और अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन हम लेते हैं। ये देखिए अमोनिया CH3NH2 और ये है आपका CH3NH CH3, ठीक है, और ये है आपका CH3N CH3 CH3। 11th क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन 11th क्वेश्चन भी क्या है सेम। आई 12th क्वेश्चन देखा हूं मैं आपको। 12th क्वेश्चन में मैंने आपको दिया अमोनिया और मिथाइल की जगह इथाइल ले लिया, यहां है इथाइल, ईटी मींस ईटी मतलब इथाइल, इथाइल इथाइल तो जान गए कि अभी मिथाइल इथाइल नहीं जानते। अब इधर है ईटी दो है, सेकेंडरी अमीन है, और ये ईटी तीन आ गए, ये टर्सरी अमीन है, ठीक है। ये टर्सरी अमीन, अरे भाई 13th क्वेश्चन भी सेम। अब आपको ये सेम क्यों पूछ रहे, मेरे भाई एक बार ये एक्वस मीडियम में ऑर्डर लगाना है, एक्वस मीडियम में मतलब जल है वहां पर लगाना है, और एक बार सेम क्वेश्चन को गैस फेज में या गैस मीडियम में करना है, ठीक है। सिमिलरली इसे एक बार एक्वस मीडियम में करना है और एक बार इसे गैस फेज में करना है, गैस फेज, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं पहली बात तो ये बोल दूं कि यहां कम से कम 8 लाइन का गैप छोड़ना, 8 लाइन का गैप 10th क्वेश्चन में छोड़ना, 8 लाइन का गैप आईआईटी जेई में पर्टिकुलरली 10th क्वेश्चन कम से कम 25 बार पूछा है पेपर, 25 से 30 बार पूछा जा चुका, और कुछ क्वेश्चन भी नहीं बदलते, ये वाटर वाटर में पूछते तो आके मिथाइल वाला ही पूछते हैं बार बार। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा। आइए लुक एट 14th क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखूं फिर हम इसे डिस्कस और सॉल्व करने बढ़ेंगे। लाइक वी कैन हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज NH2 एनिलीन, दिस इज योर पायरॉल, दिस इज योर पिरिडीन, आई थिंक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एंड 15th के बारे में मैं एक ही कंपाउंड के अंदर आपको कई बेसिक साइट्स दूंगा,
ध्यान से देखें 15 क्वेश्चन। देख लिया आपने, एक किनारे नाइट्रोजन है और एक बीच में नाइट्रोजन, इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट नाइट्रोजन, इसे बोल दिया मैंने सेकंड नाइट्रोजन, ठीक है। ओके सो मेरे भाई, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन जहां ये नाइट्रोजन वाले इन्वॉल्व हुए हैं, नाइट्रोजन वाले जहां पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, वहां आप एक सर्टेन तरीका है, मेथड है, जिसे लगाएंगे और हमेशा सही आंसर आएगा, हमेशा सही आंसर आएगा। यू कैन से इट इज ब्रह्मास्त्र, तो आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन था हमारा, इसका ऑर्डर निकालना था H2O में, ठीक है। आइए अब ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। पहला बेसिक क्वेश्चन पता करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझने जा रहे हैं, सबसे पहले यह पता करो, अच्छा तो बेस कौन होता है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रखे अपने पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए या ना हो, कौन है अच्छा बेस? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, सोचिए बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है? अरे होगा तभी तो देगा। तो मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट यहीं से डिसाइड करो, फर्स्ट चेक लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड, सारे लोग देखो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको सबसे पहले यह देखना है इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है, और अब आप खुद बुद्धि लगाओ, अगर दो बेस हैं, एक में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है मतलब वही मौजूद है जहां हम देख रहे हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद नहीं है, वो वहां से रेजोनेंस कर गया, डीलोकलाइज कर गया, अपनी लोकेशन को डिलीट करके भाग गया, तो मेरे भाई कॉमन सेंस है हम सबसे पहले देखें लोकलाइज डीलोकलाइज। अगर इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज तो अच्छा बेस, नहीं है खराब बेस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दो या तीन बेस हो और तीनों में लोकलाइज्ड हो, इस पर भी लोकलाइज्ड, इस पर भी लोकलाइज्ड, इस पर भी लोकलाइज्ड, तो मेरे भाई पहला पॉइंट आपकी मदद नहीं कर पाए। या ऐसा केस हो इसमें भी डीलोकलाइज्ड, इसमें भी डीलोकलाइज्ड, इसमें भी डीलोकलाइज्ड, फिर पहला पॉइंट मदद नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट, सारे लोग सेकंड पॉइंट पर चलो, सारे लोग सेकंड पॉइंट पर चलो। अब आप करेंगे यूनिवर्सल रूल के हिसाब से आप बेस का कंजुगेट एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? कंजुगेट एसिड। तो भाई साहब देखें, मैं यहां पर बोल रहा हूं चेक, ध्यान से देखिए, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मैंने गलत किया, एसिड आएगा बेस का तो कंजुगेट एसिड आएगा, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। और ये भी चेक करने के तरीके में आपको बताऊंगा, ए टेंशन नहीं लेना, चेक करने के तरीके में बताऊंगा, एकदम रिलैक्स, टेंशन नहीं लेना। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, वो है रेजोनेंस। क्या देखना है? रेजोनेंस। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या रेजोनेंस से आपका कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज्ड है या नहीं। यार कंजुगेट एसिड में कितना रेजोनेंस हो रहा वो लेना देना नहीं, वो जो साइट जहां तुमने H+ डाला है, वो जो साइट है वो कितना ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है वो देखना। तो मेरे भाई सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई रेजोनेंस वो कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो कंजुगेट एसिड में रेजोनेंस था ही नहीं, अगला पॉइंट चेक करेंगे, क्या दिक्कत, रेजोनेंस है पहले रेजोनेंस। अगला पॉइंट है मेरे भाई, जो एटम प्लस चार्ज लेकर बैठा है, क्या बोला मैंने, जो एटम प्लस चार्ज लेकर बैठा है उसके हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे। मान लो एक sp3 एटम पर प्लस है और एक sp2 एटम पर प्लस है, तो हमें पता है sp3 वाला प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि sp2 वाला प्लस
ज्यादा सबटल कैरेक्टर की वजह से अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले में आपको दिमाग में रखना क्या करना है अपने को, बाय हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी सबका सेम, इसका 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 sp3 सबका सेम। अब क्या करें, अब अगला पॉइंट अभी आप केवल लिखेंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये है बाय सॉल्वेशन, क्या भाई लोग, बाय सॉल्वेशन, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। मान लेते हैं सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया, लो भाई साहब इससे भी आंसर नहीं, तीन पॉइंट लिखाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आ गया और खत्म हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेस का जो ना हो, बाय सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया तो एकदम रिलैक्स हो जाओ भाई साहब, एकदम रिलैक्स। और मैं काम करता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। पहला प्रश्न तो अभी मैं वापस लिख दूंगा, पहला प्रश्न मैं कहीं और लिख दूंगा, कैंसिल कर दूंगा मेरे भाई। अगर सॉल्वेशन से भी आंसर नहीं आया तो थर्ड पॉइंट अब आपको बेस को ही देखना है, जो बेस क्वेश्चन में दिया है उसी को देखना है ध्यान से, और उस बेस पर लगे हुए ग्रुप्स या एटम्स का इफेक्ट देखना, ऑब्जर्व, सारे लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ अटैच्ड, अभी क्वेश्चंस करेंगे इन सब पे, अटैच्ड एटम्स क्लियर स्लैश ग्रुप्स इन बेस, बेस में मेरे भाई दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन तीन पॉइंट से ना हो, आओ चुन चुन कर कर दे। पहले मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने भी यहां से हटा दिया, करें बोलो बोलो करें, या पहले ये करके इन्हें हटा के उसे लिख लेते हैं, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। आओ बच्चों मुझे बताओ, सेवेंथ क्वेश्चन आपकी निगाहें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिसाइड करेंगी बेसिक स्ट्रेंथ। पहला पॉइंट लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड चेक करो, तो मेरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन क्या रेजोनेंस कर रहा है, क्या यहां कुछ है क्या, नहीं, तो ये हो गया लोकलाइज्ड। ये क्या है, अरे रेजोनेंस, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। अबे इसके इलेक्ट्रॉन तो भाग गए हैं यार मेरे भाई, ये तो पहले ही पॉइंट से आंसर आ गया, एंजॉय करिए एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए। 2 greater than 1 लोकलाइज्ड में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसकी वजह से अच्छा है। चलो भाई एक और ट्राई, ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, ये लोन पेयर देखो और ये लोन पेयर देखो, बीच में CH2 है, बीच में CH2, तो ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बीच में sp3 कार्बन है, और ये कर लेगा, आंसर क्या है, फिर से पहले पॉइंट से आंसर है, 2 greater than 1 बोलो आया या नहीं आया, 2 greater than 1 आया ना भाई साहब, बहुत क्लियर आ गया आंसर, 2 greater than 1। आओ एक और बताओ, 9th आप बता दो, 1 और 2 को देखो, तो 1 के लोन पेयर देख लो और 2 के लोन पेयर देख लो, 1 के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं या 2 के लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं, सोचो बुद्धि लगा, अरे ये लोन पेयर को कटा कटा रेजोनेंस कर रहा है, ये है डीलोकलाइज और ये है लोकलाइज, अरे भाई आंसर 1 greater than खटाखट 1 greater than 2। तो मेरे भाई 7, 8, 9 क्वेश्चन आपने अभी भी की और ये तीनों क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट पॉइंट से ही सॉल्व हुए। आप आगे और हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें यू विल फाइंड कि हम बाकी पॉइंट्स का भी यूज करें, सीक्वेंस यही लगाएंगे, सीक्वेंस लगाएंगे। एक क्वेश्चन अभी और करना है, 6 वाला, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, पहले 3 क्वेश्चन हटा दू, ठीक है, कर दे एक बार 6 वाला भी कर, 6 वाला आप मेरा साथ दीजिएगा, आइए 6 वाले में साथ दीजिए, 6 वाले में मैंने आपको ये दिया है NH2, शायद ऐसे ही NH कार्बन कम भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं। चलो
मुझे बताओ लोन पेयर फाइंड करो लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड। मेरे भाई यहां भी लोकलाइज्ड यहां भी लोकलाइज्ड। अबे लो का मतलब लोकलाइज्ड। कई बच्चे कहते हैं 10 क्यों लिखा है 10 10 10 अबे लोकलाइज्ड है। यहां भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है यहां भी नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है तीनों जगह लोकलाइज्ड। तो बताओ बताओ चुप क्यों बैठे हो? क्या मास्टर के पहले पॉइंट से कोई हेल्प मिली? नहीं, पहले पॉइंट से कोई हेल्प नहीं। अब ये कहता है चेक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। आओ इसका कंजुगेट एसिड बनाए। कंजुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? एच प्लस डाल दो तो एनएच टू हो गया एनएच थ्री प्लस। एच प्लस डाल दो क्या हो गया एनएच टू प्लस। एच प्लस डाल दो क्या हो गया एनएच प्लस। देखते रहे ना स्टडी चेक करनी बाय रेजोनेंस। कौन सा एन प्लस रेजोनेंस कर रहा है मुझे ये बताओ। ये वाला नहीं ये वाला नहीं ये वाला नहीं कोई एन प्लस रेजोनेंस नहीं कर रहा। पहला पॉइंट गया काम से इससे हमें कुछ नहीं मिला। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ए हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ये है एसपी थ्री ये है एसपी टू ये वाला है एसपी। एस ऑर्डर करेक्टर सबसे ज्यादा यहां है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। तो मेरे भाई इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया 1 2 3 वही दिखाई देगा बेसिक स्ट्रेंथ में 1 2 3। देखो देखो सारे देखो 1 2 3 आ गया। फिर मास्टर में सेकंड पॉइंट के सेकंड पॉइंट से एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई जैसा कि टेंथ महा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे अगली क्लास में बताऊंगा। आप हल्का फुल्का कुछ सोच लीजिएगा ज्यादा अकल मत लगाइएगा बाकी क्वेश्चंस करिए। 10, 11, 12, 13 एक साथ सुनाएंगे वो मैं कराऊंगा आपको। बाकी क्वेश्चन में आप ये ब्रह्मास्त्र लगा लगा के निपटाते रहिए ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस मुझे और देने हैं तो मैं वो भी दे देता हूँ। पहले मैं हटा दे रहा हूँ क्वेश्चंस जितने भी लिखे हैं। पंद्रह तक क्वेश्चंस मैंने दे दिए 15 तक। आइए उसके आगे 16 NH2 17 इसमें हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है। अरे मास्क लगाना खटाखट बनेंगे सारे दौड़ दौड़ कर होंगे अपने आप होंगे। NH2 डबल बॉन्ड NH ये भी आपका क्या हो गया ये 1 हो गया ये 2 हो गया। आइए 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि एक NH2 N डबल डबल इसके तीन नाइट्रोजन है उन्हें आपस में कंपेयर कर लेंगे 1 2 3 ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है आपका बेंजीन 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 ये है बेटा NH2 लगा हुआ ऊपर NH2 लगा हुआ ऊपर NH2 लगा हुआ ऊपर NH2 लगा हुआ ऊपर यहां 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 आठों बेटा पैदा पे मिथाइल लगा दिया मैंने 20th सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे खटाखट एकदम टेंशन नहीं लेना। NH2 यहां क्या है NO2 और ये क्या है NO2। अरे यार उधर जुड़ गया जाते NO2 ठीक है 20 हो गया 21 NH2 बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं NH2 मिथाइल और दोनों आर्थिक मिथाइल 25 क्वेश्चन तो बनते भाई NME2
enemy to enemy to मिठाई लगा दिया मैंने यहां पर, एन पर भी मिठाई लगा दी। 23 एन एम ई टू एन एम ई टू एन एम ई टू एन एम ई टू आप चाहें तो यहाँ पर ग्रुप ले सकते हैं, वो है आपके मिथाइल 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 आर्थोमेटा पैरा पे लगा, पैरा मेटा आर्थो। 23 क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र में हटा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र हटा दिया मैंने। 24 मेरे भाई ब्रह्मास्त्र वाले सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, खटाखट आंसर आ जाएंगे, उससे टेंशन नहीं। NH NH तीन चार पांच की रिंग में NH है, ठीक है। और एक प्रश्न और, दैट इज 25 दैट इज योर N एंड बायसाइक्लिक सिस्टम में एन फंसा हुआ ब्रिज है। तो बहुत मजा आने वाला है आपको सारे क्वेश्चन करके, एक नजर देखें। तो मेरे भाई आप लगाएं ब्रह्मास्त्र इन सारे क्वेश्चंस पर, और बेसिक स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स, और उसके बाद हम चालू करेंगे आइस मेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके लाएंगे तभी हम आइस मेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपका जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो आप उसे देख लें। कोई डाउट हो तो अपने जो भी रिलेटेड ग्रुप है उस पर डाउट पूछ लें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।